अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? क्या कमाल कर दिया भाई आज नामीबिया की टीम ने! श्रीलंका जैसी टीम को उन्होंने हरा दिया, और टूर्नामेंट का जो स्टार्ट है वही बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और अपसेट कर दी है। जाहिर सी बात है, ये वही टीम है श्रीलंका की, कुछ टाइम पहले एशिया कप जो है उसका फाइनल जीती थी, और हम उस टाइम भी यही बात कर रहे थे कि इस टीम ने वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग मैचेस खेलने हैं अभी, और इस टीम ने एशिया कप में जो है वो फाइनल जीत गई है। नज़र तो अब यही आता है कि आप अब किसी टीम को भी वीक नहीं ले सकते किसी भी बड़े इवेंट के अंदर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है तैयारी करके आई होती हैं, और आप उनका जो कोचिंग स्टाफ देख लें वो बड़ा तगड़ा किस्म का लग रहा है, और दोनों भाई जो हैं मॉर्कल भाई जो हैं दोनों उस टीम का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो टीम है, अगर हम बॉलिंग वाइज देखें या बैटिंग वाइज भी देखें, हेड कोच तो कोई और है, लेकिन जो भी है इसमें जो जो उनका इनपुट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद आप ये देखें कि श्रीलंका की जो क्रिकेट या बॉलिंग है, मुझे समझ नहीं आई क्या बॉलिंग की है, इतनी बैड बॉलिंग। 93 पे 6 विकेट्स गिरी हैं, और आखिरी 5 ओवर में तकरीबन 70 रन के करीब उन्होंने कर दिए। अब आप ये चीज़ देखें, अगर हम किसी नई टीम की बात करते हैं तो आम बंदा यही समझेगा कि ये तो नामीबिया की टीम है, ये तो कोई इतनी खास टीम नहीं है, ये कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है। श्रीलंका की टीम कैसे उन्होंने आखिरी 5 ओवर में 70 के करीब रन दे दिए, इतनी मार कैसे खा ली? ये फ्राइलिंग जो है और स्मिथ जो है, ये इनकी अगर आप उनकी क्रिकेट देखें, आप मैं आम लोगों को बता रहा हूँ, गूगल में जाके देख सकते हैं, इनकी फर्स्ट क्लास की क्रिकेट, ODI की जो लिस्ट ए की क्रिकेट होती है और इनकी T20 क्रिकेट, वो बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बिल्कुल रॉ हैं, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था और उन्होंने छक्के चौके मार के 5 ओवर में इतने रन्स कर दिए। इनको बड़ा एक्सपीरियंस है। जाहिर सी बात, और दूसरी बात ये कि जो डेविड वीजे हैं वो, उनको भी बड़ा एक्सपीरियंस है, वो भी इनकी हेल्प कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो है इन लड़कों को भी बड़ा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट जगह पे ये क्रिकेट खेलते हैं। और अफसोस मुझे ये हुआ कि श्रीलंका की टीम इतनी एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उन्होंने इतने रन्स करवा दिए। चले जी, रन्स करवा दिए, 164 का टारगेट आजकल के क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो इस हिसाब से देखें, अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम एशिया की पिचेस पे देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, इन जगहों पे आपने ज्यादा, या UAE की बात करते हैं, इन जगहों पे आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो टीम टॉस जीती है वो पहले फील्डिंग करती है। उसकी वजह ये है कि पिचेस इतनी फ्लैट होती हैं, इतनी ज़बरदस्त होती है बैटिंग के लिए, वो स्पिनर्स को भी इतना सपोर्ट नहीं करती और फास्ट बॉलर्स को भी इतना सपोर्ट नहीं करती। अगर चले स्पिनर्स अच्छा कर भी जाते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स रन्स दे देंगे, उनके लिए बड़ा टफ टाइम होता है, तो उस जगह पे रन्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की कंडीशन, इंग्लैंड की कंडीशन या ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन देखें, या इसकी साउथ अफ्रीका की, आप इन जगहों पर कंडीशन देखें, इनकी पिचेस थोड़ी सी हार्ड होती हैं। अच्छा, हार्ड के साथ ये इनके फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में आपने देखा कि श्रीलंका के जो बैट्समैन हैं वो आउट हुए, फास्ट बॉलर्स पे आउट हुए, शॉट मारते भी आउट हुए, कॉट बियंड भी हुए। इन जगहों पे हार्ड पिचेस की वजह से आपको जो बॉल हिट होता है पिच के ऊपर वो फिर हार्ड होता है, वो सीम की हेल्प मिलती है आपको, पाकिस्तान जैसी एशियन पिचेस पे नहीं मिलती, क्योंकि उनकी मट्टी में जान ही नहीं होती, बॉल सीधा सीधा जाता है, बल्ले बड़ा ज़बरदस्त आता है। इन पिचेस पे बॉल बाउंस भी होता है, स्विंग भी होता है, सीम भी होता है। इस वजह से इन जगहों पे आप ये नहीं कह सकते कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे, बाद में बड़ी आसानी से चेज कर लेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में आपको ये चीज़ें नज़र भी आएंगी, टीमें डिफेंड भी करेंगी रन्स को। इतनी जल्दी आउट हो गए, लेकिन जब 3 आउट हुए शुरू में, तो मैं उसके बावजूद भी समझ रहा था कि अभी भी इनकी बैटिंग लाइनअप है, एक्सपीरियंस है, ये रन्स कर जाएंगे। लेकिन जिस तरह नामीबिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की, तो इससे यही लग रहा है कि नामीबिया आगे चल के टफ टाइम देगी, और अच्छी टीमों को टफ टाइम देगी। हालांकि हम अब इस ग्रुप में देखें तो इतनी मुश्किल टीम नहीं है नामीबिया के लिए, नेदरलैंड है, लेकिन नेदरलैंड को और मैं नामीबिया को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नामीबिया थोड़ी सी मुझे अपर हैंड लगती है। फिर उसके बाद उनका मैच UAE से, ये मैच तो
नेदरलैंड से हारे हैं या जो भी है, यूएई को तो आराम से मार लेगा। उसके बाद हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका को दोनों मैचेस जीतने, एक मैच उनका वही नेदरलैंड से है, मच बेटर टीम है श्रीलंका की। हो गया अपसेट, हो गया। आप लेट्स सी, देखते हैं अगले मैच में क्या करते हैं। उसका मैच, उसके बाद जो उनका दूसरा तीसरा मैच है वो यूएई से है। तो एक्सपीरियंस तो है श्रीलंका के पास, लेकिन इस टूर्नामेंट की मतलब स्टार्टिंग ही टूर्नामेंट का अपसेट से हो गया है। और अब ये देखना, देखिए अच्छी टीमें वो होती हैं जो हर कंडीशन में अच्छा खेलें, ठीक है, तभी अच्छी टीमें होती हैं ना। लेकिन ये है कि T20 क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते किसी टीम के बारे में, किसका स्पेल अच्छा लग जाए, किसकी बैटिंग अच्छी हो जाए, आप कुछ भी नहीं कैसे कह सकते। इसीलिए T20 क्रिकेट में हर टीम डरी हुई होती है कि कोई कुछ भी कर सकता है। तो स्टार्टिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है। अभी नेदरलैंड और उसका यूएई के मैच आप देख रहे होंगे, वो तो वन साइड हो जाएगा मेरे ख्याल में। इतनी आसानी से नेदरलैंड की टीम ये मैच जीत जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।